भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष व नगर परिषद पार्षद के चुनाव के बाद पहली संगठनात्मक मीटिंग भाजपा जिला कार्यालय में प्रातः 10 बजे दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ हुई। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि इस मीटिंग को भाजपा संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनप्रतिनिधियों से आम जनता की अपेक्षा बहुत अधिक है। आप सब पार्षद को अपने वार्ड का सेवा भाव रखते हुए विकास करना है। भाजपा जनप्रतिनिधियों की वाणी, व्यवहार, आचरण सहज सरल सौम्य हो। नगर परिषद के सभापति उपसभापति को मिलजुल कर भाजपा संगठन की रीति नीति के अनुसार शहर का विकास करना है। भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि से पहले आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आपको अपने काम में निरंतरता, नवीनता, सक्रियता लानी है और भाजपा संगठन के सभी संगठनात्मक कार्यक्रम में पूरी सक्रियता के साथ नगर परिषद सभापति उपसभापति सभी पार्षद गण की सहभागिता हो। साथ ही कहा कि भाजपा जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षा पर खरा उतरे ऐसा प्रयास हो और कहा कि सभी पार्षद को अपने अपने वार्ड में सड़क, बिजली, पानी, नाली, साफ सफाई सहित विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए वार्ड का विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। नगर परिषद उपसभापति रामलाल योगी ने कहा कि भाजपा पार्टी के पार्षद होने से आम जनता की अपेक्षा अधिक है। पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने का आह्वान किया। बैठक का संचालन प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। इस बैठक में जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जादौन, घनश्याम सिंह दीवाल, रमेश राठी, किशोर सोनी सहित पार्षद मौजूद थे। बैठक के पश्चात भाजपा जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य की संगठनात्मक मीटिंग रखी गई। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि इस बैठक में उद्बोधन जिला संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट ने कहा कि सभी जिला परिषद सदस्य अपने अपने क्षेत्र में प्रवास अवश्य करें और केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी किसानों सहित सभी आमजन को दें। भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली ने संबोधित करते हुए कहा कि धनबल भुजबल के बावजूद जिला परिषद में भाजपा की जीत हुई है। जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है। आपका फर्ज है कि आम जनता की समस्या का निवारण करें, सेवा करें। इस बैठक में मंच पर जिला प्रमुख बरजीबाई भील, उप जिला प्रमुख शंकर गुजर, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक मंच पर थे। के नाते हम सामाजिक सरोकार के साथ में आम जनता के बीच बने रहे। कोरोना में हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब जब बारिश का समय चल रहा है तो हम सबका दायित्व है कि भीलवाड़ा शहर और जिला क्लीन भीलवाड़ा और ग्रीन भीलवाड़ा बने। इसके लिए हमने सभी पार्षदों को अनुरोध किया है कि अपने ओर से